बचपन में हम सुना करते थे कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के। अब चंद्रमा दूर नहीं रहा, भारत आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतिहास रचने वाला है। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम जो आज रात सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हम इस वक्त सेंट्रल पब्लिक स्कूल में हैं और हमारे साथ कुछ छात्र हैं। ये ऐतिहासिक पल पे हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी सतप्रकाश नाम है मेरा। कैसा महसूस कर रहे हैं? तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग सबको यहाँ पे। हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब उतरेगा ये चंद्रयान और हमारे विकास लिए दिखाएंगे। और हम ही नहीं पूरा वर्ल्ड वेट कर रहा है देखने के लिए, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी वेट कर रहे हैं और 80 लड़कों के साथ भी हैं वे, और वे उन तौर पर 80 लड़कों के गवाही के तौर पर रख रहे हैं। और लास्ट में हम ये बोलना चाहेंगे विकास सर को कि हमारे स्कूल के तरफ से जो भी दिखा रहे हैं हमारे लिए ICPS की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। ये थे हमारे साथ स्टूडेंट हैं जो बता रहे हैं कि आज रात CPS परिवार की ओर से बच्चों को ये सॉफ्ट लैंडिंग जो ऐतिहासिक पल है वो दिखा। बहुत गर्वभरी महसूस कर रहे हैं और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग को पहली बार ये देखने को मिल रहा है और ये हम लोग लाइव रात में देखेंगे। लोग से बहुत खुशी की बात है कि पूरा दुनिया ये देखना चाहता है कि भारत इतना कम पैसे में इतना सफल कैसे कर सकता है। और भी बहुत सारे देशों ने किया लेकिन बहुत ज़्यादा खर्च किया, लेकिन कम पैसे में ज़्यादा सफलता लाने वाला है। ये हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात, क्योंकि भारत पहला देश है जो दक्षिणी ध्रुव पर अपना सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है और पूरे विश्व की नज़र इस पर टिकी हुई। टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज जो इंडिया इतिहास रचने वाली है या इस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी है। साथ ही आज जो इसरो में मोदी जी और उनके साथ 70-80 बच्चे बैठकर इसका जो होने वाला है देखेंगे दृश्य, वैसे ही ठीक हम लोग भी आज प्लानिंग हुई है स्कूल के द्वारा CPS स्कूल के द्वारा कि हम सभी बच्चों को भी दिखाया जाएगा। इससे हम लोग कुछ नॉलेज प्राप्त कर सकेंगे कैसे क्या होता है और जो वहाँ पे विक्रम जो यान उतरने वाला है उसमें से जो प्रज्ञान रोवर है भी 4 घंटे बाद मून पे उतरेगा, जो कि यह बहुत ही इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये थे हमारे साथ स्टूडेंट जो बता रहे हैं कि देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि के साथ साथ जो बच्चों में उत्साह है ये आप साफ देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट है, क्या कहना चाहेंगे? हम अपने देश के लिए कहना चाहते हैं सारे जहाँ सा चाहे हिंदुस्तान हमारे। ये आप उत्साह देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, भारत जो है वो अंतरिक्ष क्षेत्र में आज एक इतिहास रचने वाला। हमारे साथ सेंट्रल पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास सर। देश के लिए बड़े ही गौरव की बात है और भारत ने पहली बार नहीं है, दूसरी बार होने जा रहा है चंद्रयान 2 मिशन जो है। जहाँ पे लोग सोचते हैं जाने के लिए वहाँ पे आज भारत दूसरी बार जा रहा है और विश्व का चौथा देश है जहाँ पे आज लैंडिंग होने जा रही है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो ज़मीन से बैठ कर टटकी लगाए देखता है चांद की ओर, आज वहाँ भारत दूसरी बार जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत के लिए आज के समय आज के क्षण कुछ भी इम्पॉसिबल जैसा नहीं है। वी कैन मेक एवरीथिंग पॉसिबल और हम करके भी दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले मंगल मिशन यहाँ पे अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए, भारत ने कुछ 100 करोड़ में हम वहाँ पहुँचे। उसी प्रकार यह चंद्रयान का जो हमारा जो सेकेंड मिशन है बहुत कम खर्चे में, यानी भारत एक ऐसा देश है जो कम खर्चे में कैसे उपलब्धि हासिल किया जाए उसको देखता है और दुनिया सीख रही है। और आज का जो मिशन है फिंगर क्रॉस सक्सेस रेशियो बहुत कम है, 52% ही सक्सेसफुल हो पाता है, लेकिन भारत के जो वैज्ञानिक है उस पर हमें गर्व है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का जो ये लैंडिंग है सक्सेसफुल होगा और भारत विश्व कीर्तिमान एक बार फिर से रचे। लैंडिंग को हम दिखाएंगे आपको, आप हमारे साथ जुड़िए। chhapratoday.com के फेसबुक पेज और यूट्यूब पे हम आपको दिखाएंगे चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।